नमो आदेश गुरु जी को ओम गुरु जी भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश भैरव भैरव काली के पूत कहाँ से आया गाजत आया हाजत आया लोहे चना चबा कर आया देख भैरव तेरा रूप जन्म जन्म के भागे भूत काला ऊन काला जना आओ बैठो पियो पानी तीनों लोग की कहो कहानी मनसा वाचा श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश भैरव बाबा विचित्र हैं मतलब शून्य शून्य महाशून्य शून्य से निकला एक ओमकार आओ सिद्धनाथ बिंदु पर करो विचार अब हम वो सिद्ध हैं या सिद्धि के मार्ग में लोग हैं जो कि जिन्होंने भैरव बाबा को पकड़ रखा है और अब जो है वो शून्य शून्य महाशून्य तक हमें भैरव बाबा पहुँचाएंगे ऐसा हमारा उम्मीद है भैरव बाबा एक ऐसे देवता हैं जो कि कलयुग में हमारे साथ रहते हैं इनका भोग पान सब कुछ हमारे जैसा है मतलब हर रोज़ इनको अलग अलग तरह का व्यंजन चढ़ता है चाहे वो खिचड़ी हो हमारे मंदिर में खिचड़ी चढ़ता है पापड़ चढ़ता है जलेबियाँ चढ़ती हैं दही वडे चढ़ते हैं कारन चढ़ता है मांस चढ़ता है मदिरा चढ़ता है जब खाना खा लिया बाबा ने तो इनका मुंह पोछा जाता है सिगरेट दिया जाता है इनको मुँह फेरन दिया जाता है मतलब बिल्कुल वैसे ही कि अगर आज के देवता हैं तो उनको कैसे पूजा किया जाए वैसे इनकी पूजा होती है एकादश रुद्र में जहाँ हनुमान जी हैं हनुमान जी हमेशा बड़े ही सात्विक ढंग से इनकी पूजा होती है ठीक है इनका भी एक मसानी मंत्र है आप लोगों को मैंने दिया हुआ है वहीं ये भी कलियुग में विचरते हैं और साथ में हमारे भैरव बाबा हैं जो कि आप कारण से इनकी पूजा करते हो इनको बहुत प्रिय है कलेजा जो बकरे का कलेजा होता है उससे इनका हवन होता है ठीक है और ये बाल बाल स्वभाव के हैं जैसे महादेव ने विष पिया था बाबा हमारे बाबा विष नहीं पीते हमारे बाबा कारण पीते हैं कारण मतलब शराब होता है तो इतने नज़दीक मतलब मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कालीपुत्र जो हैं भैरव बाबा कालीपुत्र काल प्रचंड वो बहुत ही मित्रवत देवता है और साथ में बहुत ही इनका स्ट्रॉन्ग गार्जियनशिप है इनके हाथ में एक डंड़ रहता है जिससे ये तुरंत सजा देते हैं मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ था कि हमारे भैरव मंदिर में रांची वाले भैरव बाबा के यहाँ एक साधक आए कलकत्ता से और वो साधक भैरव बाबा से बात करते थे ठीक है तो हमारे हिसाब से हमने अपने मंदिर का व्यवस्था पूरा ठीक ठाक करके रखा था आपने मूर्ति देखी है पचहत्तर बार मैं लगाता हूँ तो मूर्ति में भी सब कुछ है बाबा को रोज कारण चढ़ता है भोग चढ़ता है सुबह शाम हम पूजा करते हैं जितना सक्षम है अभी मंदिर निर्माण हो रहा है तो उन्होंने बात करके बोला भैरव बाबा को एक कमी है हमें बड़ा बुरा लगा भाई क्या कमी है तो भैरव बाबा को कमी थी उनको एक दंड चाहिए था खैर का डंड़ लकड़ी पे बताई गई कि खैर का डंड़ खैर का डंड़ क्यों क्योंकि वो सदियों तक नहीं सड़ता है ठीक है तो बाबा को खैर का डंड़ चाहिए था ताकि वो जो भी इस मंदिर में गलती करता है उसको सज़ा दे सके या फिर जो भी व्यक्ति जिनको उनको सज़ा देने का मन हो वो उनको सजा दे सके आप लोगों ने सुना होगा कि शनि देव हैं शनि देव सजा देते हैं न्याय के देवता है तो शनि देव के ईस्ट हमारे भैरव बाबा हैं और हमारे भैरव बाबा बड़े तुम मिजाज हैं पल में माशा और जो भी कहते हैं लेकिन इनको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है तो उन्होंने बताया फिर हमने कहाँ से खैर का लकड़ी पता के और फिर बाबा का भी डंड बन के आने वाला है तो इस स्वभाव के हमारे भैरव जी हैं मतलब जितने मित्रवत उतने ही कड़े भैरव बाबा की बहुत तरह की साधना बहुत तरीके की साधना होती है भैरव बाबा के साथ चेटकियाँ रहती हैं ये भी आपको पता होगा उनकी अलग साधना होती है भैरव जी का अलग अलग उपयोग होता है। सबसे पहले तो जितना जितने तरीके हम साधना करते हैं चाहे वो यक्षिणी साधना हो चाहे वो वीर साधना हो या फिर वारताली साधना हो जिस भी तरीके का हम साधना करते हैं गुरु मंत्र के बाद कोशिश ये होनी चाहिए मतलब तो गुरुओं की भी कोशिश और हम लोग जो अगर साधक साधना के पथ में बढ़ चुके हैं हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले भैरव को साधे गुरु मंत्र के बाद भैरव को साधने से क्या होता है कि किसी भी तरह के कि अगर शक्ति आपके आसपास है तो वो शक्ति आप पर असर नहीं करती इसीलिए भैरव मतलब तो एक तरह से जो प्रोटेक्शन होता है जो कवच होता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष देव है तो हम लोगों के साथ ये हमेशा रहते हैं तो भैरव की कई तरीके की सिद्धियाँ होती है जिसमें एक सिद्धि बड़ा मज बड़ी मज़ेदार सिद्धि है ये सिद्धि क्या है आप जब ये साधना कर लेते हो ना तो आपका कोई भी सामान भुलाए ठीक है कोई भी या किसी और का आप किसी की मदद करना चाहते हो उसका कोई विशेष वस्तु खो गया है आपको सिर्फ इस मंत्र को पढ़ना है और वो जो भूला हुआ सामान है वो मिल जाता है देखिए आपको लगेगा अरे क्या रुद्रनाथ जी कुछ भी ऐसा थोड़ा ही होता है अरे भैया ऐसा होता है मैंने मतलब इसको एक बार नहीं सौ बार आजमाया है अगर कुछ भी वस्तु आपकी खो गई हो या नहीं मिल रही हो आपने कहीं मिसप्लेस कर दिया कि एक बात मैं बता रहा हूँ बहुत बार आपकी जो आपकी संपत्ति या आपका कोई ऐसा सामान अगर खोता है जो कि नहीं खोना चाहिए तो उसमें एक परसेंट ये चांस होता है एक परसेंट मतलब परसेंटेज इसका ये चांस होता है कि किसी शक्ति ने आपके वस्तु को छुपा दिया आपको एक बात बताता हूँ जिस जगह पर शक्तियां होंगी या भूत होंगे प्रेत होगा आत्माएं होंगी ऐसे जगहों पर क्या होता है कि ये शक्तियाँ अपना प्रेजेंस आपको बताने के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ और मान के चलिए आप साधक हैं और आपका या आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके और सर्कल में ये नहीं घुस पा रहा है ये ये किसी और इसके इशारे से आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये आपके आसपास है ये आपको आके बोल नहीं पा रहा है या कुछ भी है वैसी स्थितियों स्थिति में क्या होता है ऐसे जो भूत प्रेत होते हैं वो आपकी चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं ये भूत क्या करेगा कि आपके चीज़ को उठाएगा और कहीं छुपा देगा ठीक है तब हमारे भैरव देवता काम आता है या बहुत बार ऐसे भी ऐसा भी हुआ है कि हम लोग खुद अपने सामग्री को रख के भूल गए या फिर कहीं रखा हाथ लग गया वो किधर किसी कोने में चला गया तो मतलब विभिन्न विभिन्न तरीकों से अगर हमारा सामान खो जाए तो उसके लिए मैं आज आपको एक मंत्र बताऊंगा इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे उसके जब भी आप प्रयोग करोगे तो आपका कोई भी खोया हुआ सामान हो वो मिल जाएगा हाँ लेकिन उसके बाद आपको भैरव की नित्य सेवा करनी होगी उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आपके पास एक भैरव मंत्र होगा नहीं होगा तो भैरव का बीज सिद्ध करने का विधि मैंने पिछले सप्ताह दिया था वो आप लोग सुन करके उसका आप लोग साधना कर सकते हो या फिर भैरव का एक मंत्र मैंने आप लोगों को जो शुरुआत में पढ़ के बताया जो उनको शराब देने का मंत्र है या बोलिए कि उनका जो पात्र का मंत्र है वो मैंने बताया है वो आप कर सकते हो ठीक है ये करने के बाद इस मंत्र पर आप आना अगर आपके पास भैरव का कोई मंत्र नहीं है तो आप मुझे फोन कर सकते हो मैं आपको भैरव का मंत्र और उसका विधि बताऊंगा तो वो आप करके भैरव की साधना कर लेना एक बार आप जब भैरव की साधना कर लेते हो तो उसके बाद ये आपका दूसरा भैरव मंत्र होना चाहिए कायदे से क्योंकि आपके पास भैरव है नहीं आप भैरव को काम पे लगा रहे हो तो फिर ये सही नहीं रहता है देखो सबसे पहले तो घर को अगर आपको खुश रखना है ठीक है पारिवारिक माहौल आपको खुश रखना है तो जैसे अभी क्या हुआ वेदाचार्यों ने बोल दिया कि सिर्फ गणेश के गणेश का ही आवाहन होता है ऐसा नहीं है जब आप शुरुआत करते हैं पूजा का तो जैसे आप गुरु की पूजा करते हैं उसके बाद गणपति की पूजा करते हैं तीसरी पूजा होनी चाहिए आ, बटुक भैरव की बटुक भैरव की पूजा के बाद आप क्या कहते हैं नवग्रह की पूजा कीजिए गायत्री की पूजा कीजिए और उसके बाद जो आपका दिनचर्या वाला पूजा है जो सभी तरीके का पूजा आप करते हो वो करो लेकिन बटुक भैरव की पूजा आपके यहाँ होनी चाहिए निरंतर जिस तरीके से आप बाकी देवताओं की पूजा करते हो ठीक है जब तक आप बटुक की पूजा नहीं करते हो तब तो तक भगवती महामाया प्रसन्न नहीं होती और भगवती महामाया अगर प्रसन्न नहीं होगी तो फिर आपका जो सांसारिक जीवन है जो मेटेरियल लाइफ है वो अटल लॉस आएगा तो चलिए अब मैं आपको सीधे मुद्दे पे आकर के आपको वो मंत्र बताता हूँ मंत्र आप लिख लें मैं तीन बार आपको बताऊंगा मंत्र साबर है भैरव उछले भैरव कूदे भैरव शोर मचाए मेरी अमुक भूली वस्तु ठीक है जहां पर देखो भैरव उछले भैरव कूदे भैरव शोर मचाए अमुक को जो खोज कर ना लावे काली का पूतना कहलावे ठीक है तो जहां मैंने अमुक बोला वहां पर आपका जो भी भूला हुआ वस्तु है वो आप वहां पे बोलोगे या फिर अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हो तो पहले उसके नाम पर संकल्प लोगे और फिर इस मंत्र को पढ़ोगे तो भैरव उछले भैरव कूदे भैरव शोर मचावे अमुक को जो खोज ना लावे काली का पूतना कहावे भैरव उछले भैरव कूदे भैरव शोर मचावे अमुक को जो खोज के ना लावे काली का पूतना कहावे ठीक है इसको सिद्ध कैसे करना है एक <coughs> पहले एक महीने का आप अष्टमी पता कर लो ठीक है आपने जब इस भैरव अष्टमी को पता कर लिया इस भैरव अष्टमी से अगले भैरव अष्टमी को रोज रात में आप भैरव बाबा का पूजा करोगे नौ बजे के आसपास साढ़े सात से साढ़े सात बजे भी कर सकते हैं देखो अघोर का दो समय होता है सुबह बारह से तीन मतलब दोपहर का बारह से तीन और रात का बारह से तीन लेकिन भैरव का पूजा जो होता है वो सूर्यास्त के बाद होता है अगर बारह से तीन के बीच में आप रात में मध्य रात्रि में पूजा नहीं कर सकते तो साढ़े सात के बाद नौ बजे तक आप पूजा कर लीजिए भैरव का नौ से साढ़े साढ़े नौ तक आप कर सकते हैं भैरव की पूजा में क्या क्या करना होता है इनको पसंद है जो आपके घर में बनता है वो भोजन दीजिए बिना लहसुन प्याज का ठीक है इनको दही वड़े दीजिए उसके बाद आप उड़द की पकौड़ियाँ दीजिए इनको आप पापड़ दीजिए इनको चना दीजिए और साथ में इनको आप शराब दीजिए ठीक है और बाबा को अगरबत्ती नहीं चढ़ता है गूगल का आप धूप दें और सरसों तेल या फिर तिल का तेल या फिर अगर आप बहुत परिपूर्ण हैं तो आप इनको जो जैस्मिन होता है उसके ऑयल में तेल उसके तेल से आप इनका दिया करें रोज नित्य इस मंत्र का एक माला करना है आपको एक महीने तक मतलब इस भैरव अष्टमी से अगले भैरव अष्टमी को और नेक्स्ट भैरव अष्टमी को आप जिस समय इसका जाप पूरा कर लीजिएगा उसी समय इसका हवन कर दीजिएगा दशांश का ठीक है भैरव का जो हवन होता है कोशिश करना अगर घर में कर रहे हैं तब तो सात्विक कीजिएगा अगर घर से बाहर करने का आपके पास उपाय है तो एक बकरे का कलेजा लेंगे ठीक है और उसको भैरव को चढ़ाएंगे हवन में मतलब पूरा कलेजा लिया मंत्र पढ़ा और उसको भैरव को हवन में दे दिया बाकी एक दशांश हवन करके कारण दे करके भैरव को आप प्रणाम करके आ जाएंगे उसके बाद कभी भी अगर कोई वस्तु आपका खोता है तो सबसे पहले तो इसको आप एकदम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं कि दो तीन बार पढ़ा उसके बाद भैरव भाग को बोला भैरव भा मेरा यह सामान मिल जाना चाहिए अगर उतने में नहीं मिलता है तो ऐसे उतने में ही मिल जाता है अगर उतने में सामान नहीं मिला तो भैरव के पास बैठ जाइए अगर नाथ है तो आप नाथ बजा करके बैठिए भैरव को कैसे हमने दिया जलाइए धूप जलाइए ठीक है जो भी आप प्रसाद वसाद देते दीजिए और उसके बाद एक माला संकल्प करके कि मेरी ये वस्तु खोइए मुझे ये वस्तु चाहिए ऐसा बोल करके एक माला आप भैरव के सामने जपे और फिर भैरव के पैर में अपना माला टच करके उसके बाद शांति से बैठ के तमाशा देखें गारंटीड है कि आपका जो भी सामान खोया है वो आपको अविश्वसनीय तरीके से वापस मिलेगा ये बिल्कुल ही मतलब सोचा समझा <coughs> गुरु पद्धति से आया हुआ एक तंत्र है जो मैंने आज आप लोगों को दिया ठीक है अगली बार मैं आपको एक तंत्र दूंगा जिससे कि आप भूत प्रेतों से सावधान रहोगे वो है रक्त तारा का मंत्र रक्त तारा आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो मैं अगले सप्ताह आप लोगों को दूंगा आज के लिए आ, मेरा किताब है हैंडबुक फॉर पैरा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इसको ज़रूर खरीदे बहुत जानकारियाँ आपको मिलेंगी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं फ़ोन पर तो कॉल मी फॉर ऐप है इसके माध्यम से ही आप मुझसे बात कर सकते हैं इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे तो आपको मेरा आ, प्रोफाइल मिलेगा इससे आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव है आज के लिए आप लोगों को अलग आदेश भैरम बाबा आप लोगों का कृपा आदेश